अगर आप सोच रहे हो कि आपको कंफर्ट कार चाहिए, सारी चीज चाहिए, मत लो इसको, सीधी सी बात है। इससे पहले मैं ऑडी A6 चला रहा था जी, तो जो इसमें बैठ के जो वो आता है चौधरपना जो आता है ना, वो इसी में आता है। इट्स मी रैप्ड इन स्टील। आपको ऐसा लगता है आप छाती में बैठे हो लोगों की जब चला रहे होते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज लेके आए हैं आपके लिए एक और धासू SUV का रिव्यू। भाई ये है महिंद्रा थार 4x4। भाई इस गाड़ी की इतनी फैन फॉलोइंग है कि लोग एक एक साल का वेटिंग पीरियड बर्दाश्त कर रहे हैं इस गाड़ी को परचेज करने के लिए। एंड ऑफ रोड के शौकीन तो हैं ही लिस्ट में, जिनको ऑफ रोडिंग नहीं भी करनी वो भी इस गाड़ी की तरफ खींचे चले जाते हैं। इस गाड़ी का स्टांस ही ऐसा है। तो आज इस गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू लेंगे और आपको बताएंगे ओनर का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ। सो मिलते हैं गाड़ी के ओनर से। अभिनव भैया, हाँ जी, हाल आपका? बढ़िया, आप सुनाइए भाई। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सबसे पहला सवाल यही है कि आपने महिंद्रा थार क्यों परचेज करी? लाइक अराउंड 20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आती है ये। हाँ, 20 लाख की। तो इस रेंज में आपको और भी SUVs मिल जाती, कॉम्पैक्ट SUV बोल सकते हो आप या क्रेटा सेल्टोस वगैरह, सो थार ही क्यों चूज़ करी आपने? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आई थिंक सो ये सबसे पूछा जाता है जो भी थार लेता है जी। बट आंसर भी ज़्यादा आपको पता ही है, जो ज़्यादातर लोग आंसर करेंगे और वही शायद मेरा भी वही आंसर है कि थार जो है ना, ये एक तरह से आपकी प्राइमरी चॉइस कार होती है। मतलब हर आदमी जिसको ड्राइविंग का शौक है उसको लाइफ में एक जरूर होता है कि मैं थार जरूर लूंगा। जी पहले जीप होता था, आई थिंक सो 90s के बाद 2000 में जब से थार आई है और हिट हुई है तब से थार का ही नाम हो गया है, जीप की जगह थार ही बोलने लग गए। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा भी बचपन से ऐसे था कि जब से मतलब ड्राइविंग करना सीखा है कि यार थार तो जरूर होनी चाहिए। और इस बार जब ये थार आई तो लग रहा था कि इट्स वर्थ अ बाय, तो इसलिए बाकी चीज़ों को छोड़कर जी ये खरीदी। बाकी ये कि ये प्राइमरी चॉइस है, आपकी प्राइमरी कार नहीं है। यूजली आप एक आध गाड़ी होती है तब आप इसे लेते हो, क्योंकि वही है कि टू डोर है, एज अ सेकेंडरी व्हीकल। एज अ सेकेंडरी व्हीकल है, आपका शौकिया गाड़ी ज़्यादा है जी। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर आपकी फैमिली है, पेरेंट्स कोई बैठना है तो वो आपको कहीं ना कहीं गाली दे रहे होते हैं जब उन्होंने चढ़ना होता है, क्योंकि इट्स हाई कार, ऊंची भी है। राइट। तो अगर एजेड होंगे आपके पेरेंट्स तो चढ़ नहीं पाएंगे। हाँ जी। बट अपने सिंगल अगर आपने चलानी है, बैचुलर हो, तो इससे बढ़िया गाड़ी और कोई है? फिर कोई ऑप्शन कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जो ये रोड प्रेजेंस जो देती है, आपको ऐसा लगता है आप छाती में बैठे हो लोगों की जब चला रहे होते हो, गाड़ियों की छत दिखती है। बिल्कुल, वो फील जो है इसे चलाने की, वो उसका कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। चाहे आपने, मैंने क्रेटा भी चला, इससे पहले मैं ऑडी A6 चला रहा था जी, तो जो इसमें बैठ के जो वो आता है चौधरपना जो आता है ना, वो इसी में आता है। वो ऑडी BMW में नहीं, वो उनमें भी नहीं आता, सच बात। बिल्कुल बिल्कुल सही जस्टिफाई करा आपने इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, आपका वैसे कौन सा वेरिएंट है और मेरा डीजल ऑटोमेटिक 2022 में ली थी मैंने, जून में, डीजल ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट है, हार्ट टॉप लिया था आपने लास्ट ईयर जून, हाँ 2022 में, एक साल हो जाएगा लिटरली। और ये कितने की पड़ी थी आपको? मुझे 20 लाख, अराउंड 20 लाख टोटल कॉस्ट आ गई थी इसकी। 20 लाख के करीब आपको पड़ गई थी ये। 1960 के आसपास थी, 40-50 हज़ार की एक्सेसरीज थी जी, तो टोटल 20 लाख रुपीज की हो गई थी। सो ये डीजल वेरिएंट है आपका? हाँ जी, डीजल बताया। हाँ जी, एंड ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी क्या दे रहा है ये दे देता है AC, यूजुअली गर्मियों में ही चलिए, सर्दियों में करके भी और गर्मियों का AC चला के भी 12 की एवरेज दे देती है। ऑन एन एवरेज जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी उस पर दिखाता है जी, वो 12.3 से 11.5 में वेरी करता रहता है जी। हाईवे पे 2-3 बार मैं गया हुआ हूँ, उसके हिसाब से भी उस बढ़ के 12 से 12.9 हो जाएगा, बट 12 ही लगा के चलो आप, 12 से ज्यादा एवरेज है नहीं, 12 की एवरेज, 12 के अराउंड दे देती है। और आप प्रॉपर SUV है क्योंकि ये हाई सेटिंग है और बॉडी रोल भी कहा जाता है, बॉडी रोल है, बॉडी रोल नो डाउट। ऐसा लगता है खाना हजम करना हो तो इसमें निकल जाओ राइड में। तो जैसे पहले ट्रैक्टर में बैठ के थोड़ा सा फील आता था, ट्रैक्टर की सीट थोड़ी हार्ड होती थी, इसकी सॉफ्ट है, बस यही फर्क है। बाकी बॉडी रोल तो है, बॉडी रोल है, बॉडी रोल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बट आई थिंक सो यही इसके, यही इसको अलग स्टैंड आउट भी कराती है। फिर ये सारी इसकी USP भी यही है एग्जैक्टली, कि अगर ये ना हो, आपको कंफर्ट गाड़ी में बैठना है तो आप नॉर्मल सेडान में चले जाओ, और जैसी दिल्ली की सड़कें हैं तो आपको या बॉडी रोल ले लो या दचिया ले लो। सही बात है, मैं बॉडी रोल प्रेफर करूंगा। मैंने जब ये ली थी ना तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो मैं ना इसके बारे में मैंने सोचा बैठ के कि क्या है इसमें,
तो मैंने एक छोटा सा उसमें लिखा था, दो लाइन, तो उसमें एग्जैक्टली यही लिखा था कि इट्स मी रैप्ड इन स्टील। तो एग्जैक्टली कि इट हैज़ इट्स शॉर्टकमिंग, ठीक है, बट जो इसके एडवांटेज हैं, जो इसकी रिलायबिलिटी है, वो है तो उसमें, उसका कोई मैच जो नहीं। थार खरीदने जाएगा उसे पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऐसा है, एग्जैक्टली जो, तो तो और ज्यादातर इसको खरीद भी हो रहे हैं जिनका कैरेक्टर भी इस जैसा ही है, सूट करता है। सूट करता है। वो घर वालों को तंग भी कर रहे होंगे बट फिर भी उनके चहेते होंगे। बाय द वे, आज आपका ड्रेसिंग और गाड़ी का कलर भी ये सूट ब्लैक कर रहा मैंने है। ली इसलिए थी, हमारी एडवोकेट ड्रेस अच्छा, है, हर हर रोज यही पहन के आना होता है, तो उसी से मैच करते हुए ब्लैक ली थी। ब्लैक ब्लैक या तो सबका फेवरेट होता है या लेते नहीं है लेते बिल्कुल, नहीं है, हाँ बीच में नहीं आता। बीच में नहीं आता। सो आपने 4x4 परचेज करी थी हाँ दो जी, हजार बाईस 22 में, बाईस हाँ में ली थी हाँ जी, आपने, तो उस टाइम पर 4x2 नहीं था। नहीं था उस टाइम 4x2, अगर मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, आपके पास ऑप्शन होता तो आप क्या पिक मैं करते? फोर बाय टू ही लेता, मैं 4x4 नहीं लेता। रीजन बीइंग कि 4x, ये एक तरह से इन्होंने 4x4 एक एक तरह से डेली यूज व्हीकल की तरह भी बनाया इन्होंने, मतलब इस थार में और पिछली थार में यही सिर्फ डिफरेंस है कि इसमें इतना कंफर्ट है कि आप इसको डेली यूज की तरह कर सकते कर हो। सकते हो। इंडिविजुअल बैचलर है, मुझे 365 दिन में से अगर मेरे साथ कोई सिर्फ 10 या 15 दिन बैठने हैं चार जनों ने, तो जी मैं बाकी 300 दिन तो ये यूज कर रहा हूँ। जी उस हिसाब से फिर 300 दिन में जो 4x4 का सिस्टम है वो मेरे ख्याल से 10-20 बार भी नहीं लगाने का होता। तो आपने कितनी बार लगाया होगा, मैंने 2 बार लगाया होगा अब तक पूरे 1 साल में। इंटेंशनली या जरूरत पड़ी? नहीं, इंटेंशन नहीं लगाया, वो भी कि लगा लेते हैं, जरूरत तो जरूरत पड़ी ही नहीं। नहीं हाँ पड़ी। जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि एक चीज और हो जाती है कि ये जो ऑफ रोडिंग वाले जो लोग होते हैं ना, जिनको शौक होता है, वो ऑफ रोडिंग करते हुए फिर कोई चीज सोचते नहीं है। यूटिलिटी व्हीकल लेके भी लोग कई बार इसे कवर चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि लोगों को बिल्कुल शौक ही नहीं होता अपनी गाड़ी को कि वो धचकी। मैं तो चलो फिर भी फुटपाथ पे से चढ़ा के इधर उधर से ट्राई कर लेता हूँ कभी कभार, जब ज्यादा प्रॉब्लम हो, नहीं जी, तो लोग तो बिल्कुल आराम से पानी से में भी आराम से निकालते मतलब हैं, वो थार को भी ऑल्टो की तरह ट्रीट ऑल्टो की करते तरह हैं। ये करते हैं ट्रीट, तो वहां पे फिर आपको 4x4 लेने का कोई वो नहीं सेंस नहीं रहता। बनता, और एक्चुअल में सिस्टम महंगा है, 4-5 लाख तो कॉस्ट करता है आई थिंक सो, तो उस ऑब्वियसली। हिसाब से फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, हाँ वही डिफरेंस है, क्योंकि 4x2 10 लाख से बेस है, बस बेस शुरू हुआ है तो तो 12 साढ़े 12 की वो बारह। अनलोड पड़ती हाँ होगी लगभग। जो स्टार्टिंग में अगर जो थार का अगर परचेज का आप बात करो ना, जी तो प्रैक्टिकल, सबसे प्रैक्टिकल बाय क्या थी जब इन्होंने थार लॉन्च करी थी 2020 में, तो 999 का ही 4x4 पेट्रोल वर्जन ओपन टॉप लॉन्च किया था, किया था इंट्रोडक्टरी प्राइस। इंट्रोडक्टरी प्राइस। वो बेस्ट बाय थी, जिसने वो ली है वो जी सबसे ज्यादा सुखी है। रीजन बीइंग शौकिया का शौक पूरा हो गया, आप 10 लाख और में एक नई दूसरी गाड़ी ले लो ले सकते हो, बस, तो प्रॉपर आप पे फैमिली प्रॉपर फैमिली फैमिली कार भी हो कार। गई, जो आपने इधर उधर जाना है तो उसमें काम चल गया, और आपने जब शौक पूरा करना है तो उसको निकाला, और 15 साल का दिल्ली का तो वैसे ही आपको पता है डीजल 10 साल का, और वो 15 साल तो वो शौक भी पूरा हो गया। तो सबसे बेस्ट बाय वही थी, बट इन्होंने जब प्राइस बढ़ाना शुरू करे, जो कि कंपनी स्ट्रेटेजी रहती है, जो बिक रहा है माल उसी को बढ़ाते जाओ आप, तो कहीं वो ना गलत कहीं था। डिमांड भी इस चीज का बहुत बड़ा रीजन है। हाँ डिमांड रीजन है, डिमांड, बट वो ये कि डिमांड रेट को कम करना चाहिए, डिमांड पे बढ़ना नहीं चाहिए। जब आपका सामान ज्यादा बिक रहा होता है चीज सस्ती होनी चाहिए। इंडिया में ही है ये, सिर्फ मोनोपोली है ना, क्योंकि चीज बिक रही है तो बढ़ा दो, वो इंडिया का सिस्टम है। इंडिया का सिस्टम है, और बहुत बड़ा रीजन ये है कि 20 लाख के नीचे एक प्रॉपर 4x4 SUV है ये अकेली है, अकेली थी इसलिए, बिल्कुल यही और बात, अभी तक के लिए अभी तक थी। के लिए, अभी तक अब इनका कोई कंपटीशन नहीं है, जो कि अब लॉन्च होने वाला लॉन्च है, होने वाला है। जब लॉन्च होगा तो, और उसने अगर मार्केट कैप्चर करना शुरू करी तो इस पर डिस्काउंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। बिल्कुल इनफैक्ट आएगा। अभी देने लग गए हैं डिस्काउंट ही, अब डीलर के पास जाओ तो कहता है जी 60,000 50,000 डिस्काउंट ले लो, पहले कहते थे जी 50,000 की एक्सेसरीज लगवा लो। एक्सेसरीज लेनी पड़ेगी आपको। हाँ तो वो फर्क तो आ ही गया, तो वो तो ओके, है। सो आपका ये टू डोर वर्जन है हाँ जी टू अभी डोर वर्जन, नविया, हाँ जी आपने रियर सीट्स का यूटिलाइजेशन करा है हाँ कभी? मैंने किया है। अब जैसे अभी हरिद्वार भी गए थे तो 3 जने गए थे, तो पीछे बैठ के गए थे। जी रियर सीट कंफर्टेबल है, थोड़ा सा आदमी को पीछे बैठा होता है तो उसको अगर वो थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक है अगर, तो उसको थोड़ी दिक्कत हाँ, आती है, क्योंकि क्योंकि विंडोज नहीं है। विंडोज नहीं है, तो वो जिनके माइंड में बात आ जाती है उनको थोड़ा सा वो बॉदर करने लगती है, जी अदरवाइज इतना वो नहीं है। मैं भी बैठा हुआ हूँ पीछे इसमें, कई बार मैं दोस्त को चलाने मन करता तो वो चला रहा होता है तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तो बट अच्छा है इतना, ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप भिजे बैठ हुए ही नहीं हो। सकते। हाँ ऐसा कुछ नहीं लगता, आप ठीक कंफर्टेबल फील करते हो सो ऐसा। आपने मतलब जिमनी वगैरह खैर अभी शोरूम्स पे आई थी, आपने देखी है अब? जिमनी मैं देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में था मैंने जिमनी देखी है। एक्चुअल में जिमनी का साइज और इसके साइज में बहुत डिफरेंस है, हाँ वो ये तो जो है, मास्ट, ये जो ह्यूज लगती है ना, जो इसकी प्रेजेंस है, जो रोड प्रेजेंस प्रेजेंस, है, वो जिमनी में नहीं है। हाँ राइट, मे बी जिमनी इससे ज्यादा प्रैक्टिकल हो, नो मे बी। डाउट है, बट जो प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस के मामले में इस, ये मतलब ये साइड से देखो तो ही छोटी लगती है आपको, आगे से तो पूरी
आपको फील, इसकी वेट्स देख लो, वेट काफी अच्छी है, हाइट काफी अच्छी है, फॉर्च्यूनर से ऊंची लगती है बैठने में कई बार, तो इसीलिए सिटिंग हाइट जो वो इसकी है। वो चीज नहीं है, मतलब आपको एक्चुअल में जो चीज चाहिए वो फिर यही है। इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको एक बात शेयर करूं, एक चीज और हुई है इसमें, जो बैचलर है वो तो प्रेफर कर ही रहे हैं जी, जो मेरे मैरिड फ्रेंड्स है ना उन्होंने भी एक टैक्टिक अपना रखी है कि अगर वाइफ को कार चाहिए ना वो कहते हैं थार ले ले तू, उनका डबल पर्पस सॉल्व हो जाता है कि वाइफ ने कभी कभार चलानी है वो चला लेगी, जब उनको शौक पूरा करना होगा तो थार चला ले, थार चला लेंगे। तो सेकेंडरी कार जो वाइफ के लिए लोग खरीदते हैं वो भी कई लोग थार खरीद रहे हैं इसी चक्कर में कि ठीक है लेडी है चलाने में कोई ऐसा वो है नहीं, हाँ। वो चला लेगी और कहता है जब तुम्हें शौक पूरा करना तो तुम शौक अपने पूरा पास कर, भी ऑप्शन हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी एक टैक्टिक है जिसकी वजह से थार और भी सेकेंडरी कार की तरह बिक जाती है। राइट, तो आपने अराउंड 11,000 समथिंग चलाई, 11,000 तो आई थिंक एक सर्विस करवा ली होगी आपने। हाँ मैंने एक सर्विस कराई है, 10,000 पे सर्विस कराई है। तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, सर्विस कॉस्टिंग क्या एक्सपीरियंस पड़ी? देखो पिक एंड ड्रॉप तो कर देती है महिंद्रा का, सर्विस तो दे देती है अच्छी, कोई नो डाउट, बट जी। थोड़ी हायर एंड पे थी, 7,000 समथिंग मैंने बिल पे किया था इसका। अच्छा, हाँ जो कि जिसमें आपका नॉर्मल सर्विस है, ऑयल चेंज है, एक कोई ये स्प्रे कह रहे थे कि मारते हैं जिसपे नट वट पे जंग वंग ना लगे, ओके। जो कि देखा जाए तो अब होता क्या है कि आपकी नई गाड़ी होती है तो आप बॉदर नहीं करते कि भैया चलो ठीक है, हाँ जी, बट देखा जाए तो हायर एंड पे ही है, आप 2,500-3,000 से ज्यादा सर्विस नहीं होनी चाहिए थी, 10,000 वाली। राइट। सो आप इसको हाईवे पे लेके जाते होगे, आपको हाईवे स्टेबिलिटी कैसी लगती है गाड़ी नहीं, की? स्टेबिलिटी अच्छी है गाड़ी की, स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, इंजन परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं है, जो शॉकर वॉकर या सस्पेंशन है वो भी, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसके टायरों में, बिल्कुल हाँ इसके टायर में क्रॉस ड्राइव 80 इन्होंने, हाँ ये भी एक चीज चेंज की थी इन्होंने, क्रॉस ड्राइव 80 देना शुरू किया था, ये उस बैच की है जब से पहले आते थे इसमें कजार ऑटोमेटिक और MRF के वॉन्डरर्स, राइट, ये इन्होंने दिया था। मेरा ये पिछला टायर इनफैक्ट डिवाइडर का कोना लग के ही बर्स्ट हो गया था। अच्छा, हाँ जी इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि चला बहुत कम था, सिर्फ 100 किलोमीटर चली थी इसलिए, ओके हाँ चेंज कर दिया, बट बर्स्ट हो गया था, बर्स्ट हो गया ठीक था। है। अब पिछली बार भी मैंने एक जगह से चढ़ाई थी ऑफ रोडिंग में तो मेरा पिछला टायर पंचर हो गया, अभी भी पंचर है इनफैक्ट, तो टायर में प्रॉब्लम है नो डाउट। और 22 वाले, 22 वाले हाँ, जब ये क्रॉस ड्राइव 80 में, जो मुझे ये नहीं पता कि कजार का और उसका क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, बट मेरे में इसमें तो इशू रहा है, नोट इसमें मैं वो नहीं कहूंगा, वो चीज रही है। बाकी जो है ठीक है, जो छत, हाँ इसकी छत में जैसे रूफ में आवाज आती थी, कट 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 कट। अच्छा। कट आवाज आती थी जब उसमें जाते हो आप अनइवन पैचेस वगैरह में, जी जी। तो इन्होंने जब मैंने वहाँ पे कंपनी में छोड़ी थी तो रूफ को खोल के इन्होंने वापस सेट किया था, तो काफी हद तक ठीक है। अच्छा, हाँ उसके बाद नहीं आया इशू, बट है रूफ में इशू थोड़ा सा। कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे आए थे लीकेज के, लीकेज हो सकती है क्योंकि इसके बीच में जो सीलिंग वगैरह अगर कहीं से भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे रबर हो गई, वो अगर हो गया तो वहाँ कहीं ना कहीं से पानी चला जाएगा। आपके साथ अभी तक नहीं, मेरा पानी लीकेज का इशू नहीं आया अभी तक, हाँ मेरे नॉइज का थोड़ा बहुत आता है वो ठीक है, बट कट कट की आवाज आती है, बट लीकेज नहीं है अभी तक, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो है अभी भी इसकी ब्रेकिंग में। अच्छा, जो इसके ब्रेक में जब आप स्पीड करते हो अचानक से अगर ब्रेक लेते हो तो एक खड़खड़ आवाज आती है, वो एक इशू है। कई बार आप जब लेफ्ट राइट या कहीं धचकियों में जा रहे हो और अचानक ब्रेक लो तो वो ब्रेक छोड़ता है, वो एक इशू है। तो ब्रेकिंग में इम्प्रूवमेंट, ब्रेकिंग में इम्प्रूवमेंट है। वैसे तो जितने पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से इन्हें पीछे भी डिस्क ही देना चाहिए था ड्रम ब्रेक्स की जगह, राइट, वो इसी वजह से आई थिंक सो वो इशू आता है। जो गाड़ी का ओवरऑल वेट है, हाँ वो उसको जब आगे के तो कर देता है बट पीछे से पुश मारता है, पीछे से पुश मार देता exactly. तो वो एक इशू जरूर है आई थिंक सो। इतने पैसे, इनमें दो चीज है ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में जब 2020 में निकाली थी, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि एक चीज निकाल दी तो आपने वही आपको फॉलो करनी है, रिजिड नहीं होना चाहिए कि आपने कर दिया तो कर दिया। जैसे कि एक तो ब्रेकिंग का सिस्टम हो गया, एक इसका जो डीजल जलवाने का पॉइंट है ना जिसके लिए चाबी देनी पड़ती है, हाँ। वो भी एक इशू है। अगर ये ऑफ रोड व्हीकल होती सिर्फ और सिर्फ तो चल जाता वो, बट क्योंकि आपको हर दूसरे तीसरे दिन डीजल डलवाना पड़ता है और आपको खोल के चाबी देनी पड़ती है, वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस और एक तरह से सिक्योरिटी लैप्स भी है देखा जाए तो, आप हर बार चाबी दे रहे हो तो वो बात हो जाती है। तो ये एक इशू जरूर है जो इनको सॉर्ट करना चाहिए था जब इन्होंने 2021-22 में जब इन्होंने चीज चेंज करी, इन्होंने वाली थार लॉन्च एग्जैक्टली ये लॉन्च करी,
जब इन्होंने लॉन्च करी तो इन्होंने इसमें दो तीन चीजें कम करी 2022 में, लंबर सपोर्ट हटाया, यूएसबी सी हटाई। जब आप चीजें जो आपको लग रहा है प्रैक्टिकल नहीं है गाड़ी में उसको कम कर रहे हो, तो जो प्रैक्टिकल है उसको वो इम्प्रूव भी तो करो, ठीक भी तो करो, राइट, कुछ एलिमिनेट कर रहे हो, एग्जैक्टली, तो कुछ एड ऑन भी तो दो, हाँ, जो आपको लग रहा है कि भाई यूजर से वो आ रहा है। एक इसमें ऑटोमेटिक में डेड पैडल नहीं है, ओके, वो एक इश्यू है, वो हमेशा आपको बाहर से लगवाना पड़ता है, क्योंकि आपका पैर नहीं तो फ्लैट नहीं रखना पड़ता है, जो कि टायरिंग हो जाता है, तो आपका साइड में लगता है, साइड में लगता है तो फिर पैर आपको चुभता है वो। अगर डेड पैडल होता है तो आप अपना पैर रेस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक गाड़ी हमेशा डेड पैडल के साथ आती है, जो इन्होंने नहीं दिया। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जी, उसमें कनेक्टिविटी इशू है जी, वो बीच बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो जैसे आपका एप्पल का प्ले या एंड्रॉइड ऑटो चला रखा है आपने जी, तो आप वो कभी कभी बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कभी कभी आप ऑन करोगे तो कनेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा भी है, तो आपको बार बार फिर रीस्टार्ट करनी पड़ती है उसको, वो करने के लिए वो एक इशू है, वो एक कंसर्न, हाँ, लैग है वो, कुछ ना कुछ टेक्निकल आपने सर्विस सेंटर में उसको, हाँ मैंने बोला था, वो बोले जी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, बट वो सॉफ्टवेयर अपडेट की नहीं है, वो इनको खुद ही नहीं पता वो क्या प्रॉब्लम है। आगे सीधी बात बताऊँ आपको, क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी नहीं हुआ वो चीज, जी जी, और अपडेट मुझे तो लगता नहीं कोई अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर, तो वो एक कुछ छोटे मोटे नेटपिक्स हैं इस गाड़ी में, और कोई मेजर कंसर्न जैसा कुछ? और कोई मेजर कंसर्न अगर मैं सोचने लगूं तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, वैसे तो बाकी ऐसा है नहीं, बाकी ठीक है। तो एक 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 कंसर्न है जो एक चीज है जो आफ्टर मार्केट से आपको लगवाए बिना काम नहीं चलता, जैसे कि इसकी स्टेयरिंग पे रैप, क्योंकि इसका स्टेयरिंग थोड़ा हार्ड है नॉर्मल उससे जी, तो ये वाला जो जो नॉर्मल स्टेयरिंग देते हैं उसकी ग्रिप नहीं बन पाती, आपका हाथ थोड़ा सा वो हो रहा होता है, स्लिपरी हो रहा होता है, तो जब आप उस पे स्पेशली स्वेट वगैरह, हाँ बिल्कुल, जब लेदर रैप चढ़ा लेते हो तो आपको राइड कंफर्ट काफी ठीक हो जाता है, जो तो आपने वो एड ऑन कराया है। जैसे कि इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे इसमें ये आपका स्टेयरिंग रैप जो है, ये जो डलवाया है जी, इसकी वजह से काफी ग्रिप में और चलाने का कंफर्ट बढ़ गया है इसकी वजह से, ओके, ठीक है। एक मैंने एंड्रॉइड कारप्ले का वायरलेस सिस्टम लगा रखा है तो वो उससे कनेक्ट होता रहता है, तो वो मेरा सुखी हो जाता है कि मुझे फोन आगे रखने की जरूरत नहीं पड़ती वायर के साथ। अच्छा, हाँ जी, और बाकी कहते हैं आर्म रेस्ट तो मस्ट है ही, तो वो भी लगवाया वो तो आपने, लगवाना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर सच बात है रेस्ट करने की जगह मिलती नहीं, तो जो डेड पैडल है वो लगवा रखा है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, हाँ, जैसे डेड पैडल है उसके नीचे तो वो लगवा रखा है, कवर उसके के बिना नीचे, नहीं, मैट हाँ, के नीचे, मैट के नीचे वो काम नहीं चलता। बाकी ये है कि इसको इतना, एक थार का एक यूएसपी ये भी है कि इसको इतना साफ नहीं रखना पड़ता, वो गंदी भी है ना तो मर्ज हो जाती है, क्योंकि भाई थार है तो गंदी तो रहेगी, थोड़ी गंदी अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी, हाँ, बेकार नहीं लगेगी। बाकी चीजें तो स्टॉक है, हाँ स्टॉक है, ठीक है, बाकी चीजें सब स्टॉक है, लाइट वाइट सब स्टॉक है, और सारी चीजें अच्छा, वैसे बूट स्पेस, बूट स्पेस बहुत कम है, नहीं यूजेबल नहीं है, आपको सीट फोल्ड करनी ही पड़ती है, अगर लगेज है तो, लगेज है तो सीट फोल्ड करे बिना, इनफैक्ट इसका मैंने कैरियर भी लगवाना है ऊपर, अच्छा, उसके बिना एक्चुअल में आपको बैगेज वगैरह रखना हो, अगर आप सपोज 3 फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो और कैंप ट्रिप वगैरह कुछ भी करना है आपने, कैंपिंग करना, तो सामान तो चाहिए, सामान कहाँ रखोगे, राइट, तो ऊपर बांध के ले जाना पड़ेगा। अब एक चीज और है, जब आप, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, लंबे उस पर जाते हो, इसकी फ्लैट स्क्रीन है जी, जो ड्रॉबैक जो आता है फ्लैट स्क्रीन का, वो ये यही ड्रॉबैक आता है कि एक तो जब आप हाईवे पे आ रहे होते हो जी, तो मच्छर मक्खी ना बहुत ज्यादा इसकी स्क्रीन पे चिपकती है, चिपकते हैं, तो इन्होंने लाइट दे दी हैलोजन वाली एलईडी की जगह, उसकी रेंज जो थ्रो रेंज है वो कम है, कम है, तो सबको एलईडी लगवानी पड़ती है, क्योंकि आपकी स्क्रीन गंदी ज्यादा हो रही है जी, और थ्रो रेंज कम है, मजबूरी है लगवानी, मजबूरी है लगवानी पड़ती है, ताकि थोड़ी लंबी रेंज तक दिखाई दे रहा हो, राइट, वो चीज इन्हें करनी चाहिए थी। एलईडी को इतनी महंगी रह नहीं गई, सारी कंट्री एलईडी पे शिफ्ट कर रही है, हैलोजन को ही अभी तक वो करने लग रहे, तो ये थोड़ी चीजें हैं जिनका, ये कहीं ना कहीं मतलब पुरानी प्रीवियस जनरेशन थार थी, हाँ, ठीक है, अब आप 2020-21 में एक नया वेरिएंट उतार रहे हो, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें, हाँ, जो हर आदमी, मतलब आप अगर 10 बायर में से 8 बायर जिसके बारे में शिकायत करेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 बायर करेंगे जी, जहाँ 2 करें उसको अवॉइड कर सकते हो आप, राइट, बट जहाँ 10 कर रहे हैं वहाँ आपको देनी चाहिए। फ्यूल कैप का ये हो गया, या रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, इट्स अ बिग कार, ऐसा नहीं है, छोटी नहीं है, राइट, और इसका बम्पर और आगे पीछे निकला हुआ है, तो अंदाजे से जब आप पीछे शीशे में देखते हो तो आपको लगता है नहीं लगेगी, जबकि टायर आपका पीछे निकला हुआ, टायर तो 4-5 इंच तो वो लग जाता है, लग जाता है, हाँ, तो अगर रिवर्स कैमरा नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम है, तो वो
चीजें इन्होंने ध्यान नहीं रखी। इस वेरिएंट में आपको रिवर्स कैमरा मतलब हाँ नहीं, ये फैक्ट्री फिटेड नहीं आया, शोरूम वालों ने फिट करके दिया है जिसमें टाइम लैग है, कई बार रिवर्स लगा हुआ बैक करने लगा और थोड़ी देर बाद लाइट आती है तो इशू आ जाता है। इन्फो से इन्फोटेनमेंट स्क्रीन में हाँ थोड़ी लेट आता है उसका डिस्प्ले, इतने तो कई बार गाड़ी लग भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक चीजें हैं, दो चीज बाकी तो ओवरऑल फिर वही है कि जैसे माँ बाप को अपने बच्चे से भी शिकायत रहती है कितना ही सब कुछ परफेक्ट तो हाँ सब कुछ तो हो नहीं सकता, बट इम्प्रूवमेंट की हमेशा जगह होती है और कंपनी वही अच्छी होती है जो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती रहे और यूजर फीडबैक के हिसाब से एग्जैक्टली अपने मनमानी के हिसाब से नहीं, जैसा आपको लग रहा है कि यूजर वो करेगा उस हिसाब से फिर आप इसको ठीक करो तो फिर ठीक है। सो क्या मतलब फिर स्टिल एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इतने सारे ड्रॉबैक्स या आपने कौन से बताए बट क्या स्टिल ये गाड़ी वर्थ है बिल्कुल, आपका क्वेश्चन पूरा करने से पहले बता दूं ये वर्थ है जब चला के आपको जो इसका मजा आता है जी, जो आपको वो प्लेजर मिलता है ना चलाने का इसको जी, इसको चलाने के बाद आप जो सॉफ्ट गाड़ी का चलाने का वो है ना वो आपका खत्म हो जाता है। आप मतलब ये लाइफ की तरह है, लाइफस्टाइल व्हीकल है लाइफ, मतलब ये आपकी जिंदगी तरह ही है, इतनी इजी नहीं है जैसे जिंदगी इजी नहीं है ना हर चीज, वैसे ये भी आसान नहीं है बट मजा इसी में हाँ तो सिंक हो जाती है आपकी लाइफ के साथ ही। रिव्यूज में क्या है कि जब आप चीज जो प्रॉब्लम है वो तो जरूर बताओ एब्सोल्युटली हाँ, क्योंकि अच्छी चीज तो वैसे ही गूगल पे भी मिल जाएंगी, महिंद्रा वाले भी बता देंगे। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप वो फेस करेंगे वो जरूर पता होनी चाहिए, वो जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कंफर्ट कार चाहिए सारी चीज चाहिए मत लो इसको, सीधी सी बात है, बट आपको चाहिए कि मुझे गाड़ी, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि लोगों के कई लोग जिनको कम्फर्ट की आदत है वो लेके दो दिन नहीं चलाएंगे, बट कई लोग जिनको एक्चुअल में थोड़ा सा देसीपन है ना जिनमें, वो इसको लेने के बाद फिर वो कोई गाड़ी नहीं चला, जिनको रॉनेस पसंद है, जिनको पसंद है वो फिर यही चला, मतलब सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए नहीं है, हाँ नहीं है उनके लिए नहीं है ये सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल वो आराम से फिर वो एसी ऑन करके अपने नीचे से जो सीट वेंटिलेशन ऑन करके आराम से बैठे वो वाली गाड़ी उठाओ वो ले और वो ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि हाँ ये है जिसमें थोड़ी सी रॉनेस है, इसको थोड़ा देसीपना अब थोड़ा सा जैसे मिट्टी का वो रहता है उनके लिए। ठीक है अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पैसे ही करते रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहे एंड लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना और देना भी बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट एन इजी जॉब एंड कीप इट अप एंड आई गिव बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच रेफरेंसेस, आपका सपोर्ट और हमारे व्यूअर्स का सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी सबके लिए। डेफिनेटली बना रहेगा जी, हम आपको देखेंगे भी और रिकमेंड भी करेंगे लोगों को कि देखे रिव्यूज, ठीक है जी, ऑनेस्ट रिव्यूज हमेशा अच्छे ही रहते हैं। राइट, और मेरे चैनल का पर्पज यही है कि ज्यादा स्क्रिप्टेड नहीं चलेंगे, नहीं आपको जो आपके माइंड में है जो आपने एक्सपीरियंस करा वो ही आप कैमरे पे बोलो। नहीं नहीं, दैट्स गुड राइट। सो ठीक है अभिनव जी, थैंक्स फॉर नाइस मीटिंग सेम हियर थैंक्स फॉर कमिंग टू द चैनल, माय प्लेजर भाई, माय प्लेजर। सो दोस्तों ये था थार 4x4 का ओनरशिप रिव्यू, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। वीडियो थोड़ी लंबी थी बट इन्फॉर्मेटिव भी थी एंड चैनल पर बने रहिए इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। सी यू इन अनदर वीडियो।